हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। नहीं, ये तो इरफान जो रेंजर हो गया। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है? आज एक गाड़ी का रिव्यू बनाने जाना है, लेकिन उससे पहले हेयर कट करवाना है, लेकिन उससे भी पहले एक ज़रूरी काम जाना है। पहले काम कर लेते हैं, फिर हेयर कट करवाने चलेंगे। ओके, तो बेसिकली चेंज ऑफ प्लान्स, बड़ी जल्दी जल्दी जो है ना, मैं आया हूँ यहाँ पे शोरूम पे, बिकॉज़ कटिंग कराने का मेरे पास टाइम नहीं था। खुद ही थोड़ी बहुत सेट करके जो है ना इधर आ गया हूँ, और अभी अंदर चलते हैं और रिव्यू करते हैं जल्दी से। यार, तो पिछले व्लॉग में अली का मैंने जिक्र किया था, तो ये अली है अगर किसी को नहीं पता, वैसे तो पता ही होता है। लेकिन अभी हम लोग बैठे हैं, चाय इंजॉय कर रहे हैं। चाय हम बैठ के कहाँ पी रहे हैं? सदरन मोटर्स पे। और सदरन मोटर्स, और ये बात मैं इसलिए मेंशन कर रहा हूँ क्योंकि हमने एक ब्लॉग बनाया था इनका, और उसमें हमने बोला था, लिंक ऊपर, हाँ लिंक चल रहा होगा ऊपर, और उसमें हमने बोला था कि हमें ना रिफ्रेशमेंट्स नहीं मिल रही, पता नहीं रिफ्रेशमेंट होंगी कि नहीं होंगी। खाना थोड़ी खाना था, थोड़ा सा रिफ्रेशमेंट इधर भी सुना है, रिफ्रेशमेंट मिलेगी ना यार? भाई बात है, पता क्या है, रिफ्रेशमेंट वहाँ पे नहीं मिली, रिफ्रेशमेंट भी होगी। और टू बी ऑनेस्ट, हम गए रिफ्रेशमेंट के लिए क्योंकि रिव्यूज़ वगैरह हमने बनाया हुआ था, तो हमने कहा चलें रिफ्रेशमेंट, लेकिन वहाँ पे हमें रिफ्रेशमेंट नहीं मिली। वो बात थोड़ी सी उन्होंने सीरियस ले ली है, तो जब यहाँ के मैनेजर है, हाँ आते ही मुझे मतलब सलाम से पहले यही बात की कि रिफ्रेशमेंट थी भाईजान, हम लेट हो गए थे, तो अभी कसर पूरी कर रहे हैं, अभी वो कसर वाकई पूरी हो रही है चाय के थ्रू। तो यार रिव्यू हो गया, और आप लोग देख सकते हो कि हम इतना लेट हो गए हैं शाम को कि ये गाड़ियां जो इनकी बाहर खड़ी थी वो इन्होंने अंदर लगाना शुरू कर दी हैं, और टाइम जो है वो 6 बज चुके हैं, तो शोरूम भी बंद हो गया और हम लोग भी जा रहे हैं, तो थोड़ी देर बाद मिलते हैं फिर। हेलो जी, वेलकम बैक टू येट अनदर वीडियो नहीं है, वेलकम बैक टू येट अनदर डे। और कल रात को मैं व्लॉग एंड करना भूल गया था, तो मैंने कहा चलो आज दोबारा से कंटिन्यू करते हैं। और अभी का सीन ये है कि मैं इंस्टॉल कर रहा हूँ अपने लैपटॉप में डाविंची रिजॉल्व 18। उससे पहले मैं वीडियो एडिट कर रहा था, एक बड़ा ही पुराना सा सॉफ्टवेयर है जो कि मैंने काफ़ी टाइम पहले सीखा था, और उसका नाम है वेगस प्रो 17 जो है वो, मैं उससे वीडियोस अपनी सारी जो है वो एडिट करता हूँ, और सारी रेंडरिंग वगैरह उसी पे ही होती है। बट थोड़ा सा वो पुराना हो चुका था, मैंने कहा यार प्रीमियर प्रो की बजाय ना आजकल डाविंची बड़ा छा रहा है, तो डाविंची इंस्टॉल करते हैं। तो अभी जो है उसका सेटअप मैंने डाउनलोड किया है, तो उसको हम लोग इंस्टॉल करते हैं और देखते हैं कि वो मेरे लैपटॉप पर चलता भी है कि नहीं। ओके, दिस इज इट, फायरिंग अप फॉर द फर्स्ट टाइम। ओह या, वी गॉट डाविंची रिजॉल्व 18। यार ये तो एरर देने लग गया भाई, ये तो जीपीयू भी नहीं उठा रहा हमारे लैपटॉप का। और अगर मैं यहाँ से इसकी सेटिंग में जाता हूँ और मेमोरी एंड जीपीयू में जाता हूँ, यहाँ पे देखो अगर मैं ऑटो से हटाता हूँ तो देर इज़ नो ड्रॉप डाउन मेन्यू, मतलब आपका जीपीयू डिटेक्ट ही नहीं कर रहा है, तो ये तो बड़ा मसला है। तो अभी ऐसा करते हैं, इसको हम लोग दूसरे लैपटॉप में इंस्टॉल करके देखते हैं कि ये उसमें वर्क करता है कि नहीं। तो यार अभी मैं इसको कॉपी कर रहा हूँ ये फ्लैश के अंदर, ताकि मैं दूसरे लैपटॉप के अंदर इसको इंस्टॉल करके देख सकूँ कि क्या मेरे लैपटॉप में मसला है या फिर डाविंची के सेटअप में मसला है। तो उसे लैपटॉप में ऑन करके देखते हैं, एंड द मोमेंट ऑफ ट्रूथ। इसके अंदर भी प्रॉब्लम आ गई है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम तो ग्राफिक कार्ड दोनों सपोर्ट ही नहीं है, हालांकि ये लैपटॉप इससे थोड़ा सा फास्ट है, तो HD 1080p फिलहाल यहीं पे रखते हैं अपनी औकात में, इसको हम लोग चेंज कर लेते हैं। नाउ मोमेंट ऑफ ट्रूथ फॉर रियल, ये मैं खेलता नहीं हूँ, वैसे ही पड़ी हुई है यहाँ पे। हो रहा है
हैं जी, क्रैक श्रैक करने के बाद हमने कीज ही हम नहीं डालते होते भाई, खुदा कॉपी करो कोई। क्रैक करने के बाद इसको फर्स्ट टाइम ओपन कर रहा हूँ मैं, और देखते हैं कि ये ओपन होता है या फिर ये वाला एरर देने लग जाता है। ना करो यार। तो यार आईएएस हमारी किस्मत में अभी डाविंची रिजॉल्व इस्तेमाल करना नहीं है, लेकिन जो गाड़ी बंदा हूँ मैं अभी इसका हल जो है मैं निकाल लूँगा, लेकिन आज नहीं किसी और टाइम, बिकॉज अभी मुझे वीडियो एडिट करनी है दूसरे चैनल के लिए, तो उसको एडिट करते हैं, बाकी इसके बारे में देखते हैं, और जैसे ही मुझे हल मिलेगा तो मैं आप लोगों को भी ज़रूर बताऊँगा। 12 seconds later. Alright, तो बॉय सीन ये है कि मैं अभी जा रहा हूँ बाहर, और बाहर कहाँ जा रहा हूँ, तो डॉलर शॉप पर जा रहा हूँ, क्योंकि मुझे तो वैसे कुछ नहीं लेना था लेकिन अम्मी ने जाना था, तो मैंने कहा चलो चलते हैं और फिर आप लोगों को भी लेके चलते हैं। वैसे अगर आपको डॉलर शॉप का नहीं पता कि क्या चीज़ है, तो मैं आपको बता देता हूँ कि डॉलर शॉप में जो भी चीज़ आप उठाएंगे वहाँ पे जितनी भी चीज़ें पड़ी होती हैं वो सिर्फ $1 की होती हैं, मतलब ज़रूरी नहीं है कि डेली का रेट चेंज हो, वहाँ पे मोस्टली जो है वो 200 rupees की जो है वो चीज़ होती है। तो बड़ी एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, कुछ अच्छी चीज़ें भी होती हैं, कुछ बुरी चीज़ें भी होती हैं। तो अभी चलते हैं डॉलर शॉप और देखते हैं वहाँ पे इस बार क्या इंटरेस्टिंग आया है। और ब्रोस, तो सीन ये है कि मैं आ गया हूँ वापस घर, मेरे कुछ काम की चीज़ मुझे मिली नहीं, और तो हर बार जो है थोड़ी डिफरेंट चीज़ें होती हैं, इसलिए कभी आपको मिल जाती हैं कभी नहीं मिलती। तो आज का ब्लॉग जो है वो यहीं पे ख़त्म करते हैं। इफ़ यू लाइक द वीडियो डू सब्सक्राइब टू द चैनल, और सब्सक्राइब बटन की एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि अगर आप डेस्कटॉप पे देख रहे हैं, डेस्कटॉप या फिर लैपटॉप के ऊपर, तो सब्सक्राइब बटन का कलर जो है वो वाइट हो चुका है, तो उसको प्रेस कर दें, नीचे लाइक का बटन होगा उसको भी प्रेस कर दें। बाकी आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए। ये क्या था यार।